जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आरिश नवाज़ और सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया, उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का जिन्होंने बिना किसी कंटेंट के भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तहे दिल से शुक्रिया उनका, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये वीडियो बनाने के कुछ मकसद हैं, वो आगे आपको वीडियो के साथ साथ पता चलते जाएंगे। सबसे पहला कि मुझे ये चैनल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम आरिश नवाज है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, साथ में मैं फूड ब्लॉगर हूँ और कुछ और भी दो तीन काम साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि एक यूट्यूब चैनल मुझे अब आकर बनाने की क्या जरूरत पड़ी। बेसिकली जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो जानते हैं कि मैं एक एंड एंड लेवल का इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। आई एम अ बिग 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 कैमरा शाय, तो वो बैरियर था जो मुझे तोड़ना था। कि यहाँ तक हुआ है कि मैंने आपको, जैसे आपको बताया, मैं फूड ब्लॉगर, तो लास्ट 1.5 ईयर से आई एम डूइंग फूड ब्लॉगिंग। तो इस तरह होता था कि जैसे हमने मीटअप्स पे जाना, लोगों से मिलना, लोग हम बैठे हुए हैं, तो मैं सोशल नहीं हूँ इतना, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ। तो अब हम बैठे हैं, हेलो हाय, मुलाकात हो गई, बात सलाम दुआ हो गई, ठीक है। अब मैं जिस काम आया हूँ, खाना खाया, पिक्चर्स ली, एम्बियंस को देखा कि क्या लिख रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, और उस पर मेरा गौर होता है, तो मैं ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता। मर्द हो, खवातीन हो, वो मैटर नहीं करता। मैं वैसे नहीं बात करता जिनसे मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा मिल रहा हूँ। चौथी, पांचवी दफ़ा तक भी मैं इतना सोशल नहीं होता। तो वो एक था, उसकी वजह से मेरा कुछ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी गया। वो किस तरह, वो इस तरह के लोगों को लगता था कि अच्छा, ये भाई के 5,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो जनाब इनमें ईगो आ गई, ये हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी बात नहीं है, 5,000 के भी अब 4,000 रह गए हैं। वो कहानी मैं आपको आगे वीडियो में सुनाता हूँ। तो वो एक बैरियर था जो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी मेरा दे रहा था और मुझे खुद भी वो तोड़ना था। उसके लिए यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है बेसिकली। तो वो थोड़ा कैमरा शाय आरिश और थोड़ा इंट्रोवर्ट, वो ज़रा मैंने ख़त्म करना है। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ तो वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली आई एम फूड ब्लॉगर, तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है। मैं रेस्टोरेंट्स के बारे में रिव्यूज लिखता हूँ, उनके खाने के बारे में सब कुछ, आप जरूर चेकआउट करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो हुआ यूं कि मैंने जनवरी 2019 में अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज बनाया था किसके कहने पे, कि आप इतना बाइट से खाते हो, 4-5 साल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज से, तब से हम रोज बाइट होना है तो वही से खाना, तो आप रिव्यूज लिखो। तो आप लिखते अच्छा हो तो थोड़ा रिव्यूज आप लिखो। मैंने कहा चले ठीक है, रिव्यूज लिखना शुरू करते हैं। रिव्यूज लिखे, अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हुई। तो हुआ ये कि एकदम ही मुझे एक दफा एक रेस्टोरेंट ने अप्रोच किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि हमारी ओपनिंग है, आप आए हमारा खाना टेस्ट करें और आके रिव्यू दें। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी होता है। तो मैं चला गया, मैंने खाना खाया, खाना अच्छा था उनका, ठीक था। तो मैंने रिव्यू आके लिखा, पिक्चर्स नहीं, आके रिव्यू लिखा, पोस्ट कर दिया। तो इस तरह 2 दफ़ा 3 दफ़ा और रेस्टोरेंट ने बुलाया, 4 दफ़ा, फिर हम मीटअप्स पे जाना शुरू हो गए। फिर कुछ ब्लॉगर्स हैं वो मीटअप्स खुद के करवाते हैं, मैंने भी पीआरस करवाए हैं, मैं पीआरस पे गया भी हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये इस तरह चलता रहा, एक साल से इस तरह चलता रहा। दिसंबर एंड 2019 या जनवरी स्टार्ट कह लें आप, तो मुझे थोड़ा आके रियलाइज हुआ आपको बुला रहा है तो भी अच्छा। इसका तो मैं थोड़ा, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, अगर हमें कोई रेस्टोरेंट बुलाता है तो वो हमें एक तो खाना खिला रहा है, ठीक है, कभी वो पे भी कर देता है कि अच्छा आप आए हैं, टाइम निकाल के आपने खाना खाया तो आप रिव्यू लिख दें, तो हमने उनका खाना भी खा लिया फ्री में। कभी उन्होंने नहीं पे किया तो चलो खाना तो खाया, पे भी कर दिया उन्होंने, तो हमारे सर पे ये होता है कि फिर हमने वो रिव्यू जैसा भी खाना था वो फिर सर पर तलवार सी कह लें आप या बोझ सा कह लें, वो यही होता है कि हमने पॉजिटिव लिखना होता है। खाना जैसा भी कोई मेरा रिव्यू मेरे से इन्फ्लुएंस होके, मेरी ऑडियंस 5,000 की ऑडियंस है, उसमें से कोई 1, 2, 3, 4 बंदे भी जा रहे हैं वहाँ पे और वो खाना उनको पसंद नहीं आ रहा, आपका रिव्यू बहुत अच्छा है जी, आपने 9/10 दिया हुआ, 10/10 दिया हुआ,
वहां जाके वो 5 बाय 10 भी नहीं होता, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे भी, कि वो आपको कहेंगे कि नहीं इसने रिव्यू गलत लिखा है, और उनके पे। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने पीआर पे और रेस्टोरेंट अगर बुला रहे हैं तो वहां जाना मैंने बंद कर दिया। तो मैं खुद जाता हूँ, पे करके खाता हूँ, और जो मेरा इंस्टाग्राम पे रिव्यूज आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, बताने का आपको मकसद ये है कि इस चैनल पे भी जो रिव्यूज आएंगे वो पेड नहीं होंगे, वो मैंने खुद जाना है, खुद अपने पैसे दे के ट्राई करूंगा खाना। वो अच्छे से अच्छा, अगर तारीफों के पुल बांधे हैं मैंने किसी रेस्टोरेंट के, किसी खाने के, तो आप जाएंगे तो वाकई वो अच्छा होगा, और अगर खाना नहीं अच्छा था तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं अच्छा था। वो फेसबुक का हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो यूट्यूब हो, यहाँ पे सारा ओरिजिनल कंटेंट आएगा, ऑनेस्ट कंटेंट आएगा, तो वहां से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, और क्या बात करनी थी मैंने आपसे? अच्छा, और इसके अलावा इस YouTube चैनल पे मेरा जो मेन फोकस है वो बड़े से बड़ा अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से लेके स्ट्रीट फूड तक सब कुछ इस चैनल पे आएगा इंशाल्लाह। तो चिटचट भी होगी इस तरह, बातचीत भी करेंगे, लेकिन मेन फोकस जो मैं अपना रख रहा हूँ वो मेरा है कि मैंने लाहौर का बेसिकली फिर स्टार्ट में लाहौर का स्ट्रीट फूड कवर करना है। उसके बाद थोड़ा सा निकलेंगे शहर से बाहर दूसरे शहरों में, साथ गुजरेवाला है वहां जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके इस चैनल को ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आप लोगों ने साथ बने रहना है, तो इंशाल्लाह कंटेंट अच्छा आएगा, आपको मजा आएगा। और अभी जो कोरोना डेज चल रहे हैं उसके इसलिए इसकी वजह से थोड़ा स्लो है काम, रेस्टोरेंट्स अभी अभी खुले हैं रेस्टोरेंट्स, तो थोड़ा जाने में भी थोड़ा होता है, तो इससे थोड़ा कंटेंट नहीं आ रहा, और कंटेंट आ जाना था वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा। तो बेसिकली कंटेंट इसलिए नहीं आया पिछले वीक, लास्ट वीक वीडियो इसलिए नहीं आई कि मैं गया था एक रेस्टोरेंट, मैंने वीडियो बनाई, मेरे पास कैमरा नहीं है अभी, तो मैंने मोबाइल है मेरा उस पर मैंने वीडियो बनाई रेस्टोरेंट की, खाने की। तो जब मैं वापस आया मैंने देखा, तो मैंने जब उसको ऐड करने बैठा तो उस वीडियो में कोई मसला आ रहा था, तो पता नहीं क्या मसला था, मुझे तो समझ नहीं आया। तो वीडियोस मोबाइल में लैपटॉप में बिल्कुल से चल रही थी, जब वो सॉफ्टवेयर में डाल रहे थे एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा मसला आ रहा था, तो इसको ऐसी वीडियो नहीं आ सकी। भाई आपका गया था, ये आगे आप देख लीजिएगा टाइम लैप्स, भाई ने ये इकलौता टाइम लैप्स है जो बच गया है, तो वो मैंने लगा दिया इसमें, वो आप देखें, तो फिर वापस आते हैं। यकीन हो गया ना कि भाई गया था, भाई ने पिज्जा खाया था, पिज्जा ठीक था, बस सोसो था। अच्छा, तो अब जो इस चैनल पे हम मेन काम करेंगे वो यही फूड रिव्यूज का होगा, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग से लेके स्ट्रीट फूड तक। अभी क्योंकि गर्मियां हैं तो अभी स्ट्रीट फूड कवर करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फिर मैं गर्मी से ही तंग होगा, हालत ही खराब होगी, फूड इंजॉय नहीं किया जाएगा और उसका प्रॉपर रिव्यू नहीं आ सकेगा। तो अभी हम तो रेस्टोरेंट्स की तरफ ही रहेंगे, मीडियम से लेके अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं तो सबके रिव्यूज आते रहेंगे साथ साथ। उसके बाद थोड़ी सी मौसम ठीक होता है, थोड़ा सा कोरोना भी जरा इधर उधर होए, तो फिर हम स्ट्रीट फूड की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रीट फूड मैंने बहुत सोचा हुआ है, उसका बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट मेरे जहन में है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो आएगा, जरूर आएगा, तो वो थोड़ा डिले होगा। अभी हम फाइन अभी रेस्टोरेंट की तरफ ही जुड़ेंगे, उसके अलावा थोड़े से ऐसे चिट चैट सेशंस भी कर लिए करेंगे। तो बस मुझे यही बात आपसे करनी थी, आपको थोड़ा ब्रीफ करना था इस चैनल के बारे में कि कंटेंट ऐसा आएगा और अब तक क्यों नहीं आया, वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ी बाइक की मजबूरी थी तो बाइक पास अभी अच्छा कैमरा नहीं है, तो फिलहाल मोबाइल से शूट करेंगे। इस तरह का भी होगा, आपने सपोर्ट करना है, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई आपके सजेशन हो, किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझसे किसी चीज़ किसी किस्म के रेस्टोरेंट के बारे में आपने पूछना हो, आप मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।